तो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि रेडमी 6 और रेडमी 6 से इन दो डिवाइस में जो अपडेट आया था, उन अपडेट में बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं और ख़ासकर हम पबजी नहीं खेल पा रहे हैं। तो इन दो डिवाइस में MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट कब देखने को मिलेगा और कौन सा वर्जन में देखने को मिलेगा, तो आज की वीडियो में आप सभी को वही बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, रिसेंटली में 1 मंथ पहले Redmi 6 और Redmi 6 से इन दो डिवाइस में MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट देखने को मिला था, जिसका वर्जन है 11.0.4.0 और 6A है उस डिवाइस में 11.0.6.0। ये दो अपडेट देखने को मिला था। ये दो अपडेट रोल आउट होने के बाद बहुत सारे यूजर का ये कहना है कि हमारे डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग करने लगा है पहले से, और ऐसे में बहुत सारे यूजर का ये भी कहना है कि हम इस अपडेट को जब से इंस्टॉल किया है तब से हम पबजी नहीं खेल पा रहे हैं, हमारा जो मोबाइल है बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो दो डिवाइस है, इन दो डिवाइस में आप सभी को MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट कब देखने को मिल सकता है और कौन सा वर्जन का देखने को मिल सकता है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि इसका लैग करने का रीज़न है कि आप सभी को बता दें, ये जो अपडेट है ये अपडेट बहुत कम यूजर को देखने को मिला है, क्योंकि ये सिलेक्टेड यूजर को ही रोल आउट किया गया था, ये टेस्टिंग सीजन के दौरान रोल आउट किया गया था। तो इसमें कुछ बग था जो पहले Xiaomi ने इसको टेस्ट नहीं किया, उसको जब रिलीज कर दिया उसके बाद ये बग्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन दो डिवाइस में आप सभी को मार्च महीने के दौरान हो सकता है आपको अपडेट देखने को मिले, क्योंकि आप सभी को पता है Redmi Note 7, Note 7 S और Note 7 Pro, इन सारे डिवाइस में एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो उसी दौरान हो सकता है कि मार्च महीने के दौरान भी आपको इस डिवाइस में एक अपडेट रोल आउट किया जाएगा Redmi 6 और Redmi 6 से, पर इसका जो वर्जन हो सकता है मुझे जहां तक लगता है कि 11.0.3.0 या फिर 11.0.7.0 ये अपडेट हो सकता है आपको, जो आने वाला समय में आपको रोल आउट किया जाएगा Redmi 6 और Redmi 6 से। और दोस्तों ये अपडेट आने के बाद हो सकता है आपके डिवाइस में ये जो बग देख रहे हो, ये प्रॉब्लम देख रहे हो सकता है फिक्स हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपडेट है ये आपको जल्द से जल्द मिल जाए। देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है, Xiaomi अब कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।